हेलो फ्रेंड, आज हम इक्को गाड़ी का इंजन असेंबल करेंगे और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इक्को का इंजन कैसे असेंबल होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपन को। ठीक है, ये मेरा इंजन है, ये लेथ वर्क से आ चुका है, अब इसको हम असेंबल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और कोई भी अपना सुझाव मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं। ठीक है, थर्ड वाइसर लेकर भाई, मैंने आपको बताया था डीजल गाड़ी के अंदर तो फिक्स आते हैं थर्ड वाइसर, लेकिन पेट्रोल गाड़ी के अंदर सिंगल सिंगल आएंगे। डीजल गाड़ी में जो होता है इसी फीस के साथ में फिक्स आते हैं, तो उसमें कोई उल्टा सीधे की दिक्कत नहीं आती, लेकिन पेट्रोल गाड़ी के अंदर अलग अलग आते हैं। तो इस वाइसर का ये देखो कट, ये जो कट मैं बता रहा था ना आपको, ये कट आते हैं इस पर, दो आप हाथ फेरोगे तो कट हमेशा बाहर की तरफ रखना है। बस आप अगर इस कट को यूँ घुमा के अंदर की तरफ लगा दोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे स्टार्ट होगी थोड़ी देर बाद ही जाम हो जाएगा, इंजन जाम हो जाएगा, क्योंकि कट के, ये कट इसलिए होता है कि कट के द्वारा भी ऑयल चलता है अंदर। और एक कट अगर हम सही नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ऑयल की लाइन चलेगी नहीं, यूँ लगा देंगे तो वगे वह जाम हो जाएगा। कट का मतलब यही है कि भाई ऑयल चलेगा क्रेन के अंदर, तो हमेशा कट को बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। तो जो जो नए नए बंदे जो काम सीख के जो दुकान डाल के बैठे हैं, उनको भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा भाई। जानने वालों को तो पता है भाई कैसे लगेगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो हमेशा कट बाहर रखे दोनों तरफ। ठीक है, हाँ क्रेन लेकर आ जा, एक एक इस तरफ से लगाना। ठीक है, धीरे से रख, हमेशा मैंने पहले ही बताया था इसके अंदर उंगली रखा कर। हाँ, इसके अंदर उंगली रख, भाई तुम अगर यहाँ से लगाओगे तुम्हारा हाथ का जाएगा, एक इधर से पकड़। ठीक है, लगो धीरे से रख, तुम्हारा दोनों हाथों इधर तो घुमा, ऑयल डाल दिया। अब इसकी केपे लाइन दराज लगानी है, केपो के ऊपर निशान नंबर लिखे हुए होंगे, देखना ये एक नंबर लिखा हुआ है, ऐसे पाँच ही केपों के ऊपर नंबर लिखे होंगे। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना लेथ, हाँ वो तो वो आएगा, हमेशा ध्यान रखना लेथ वर्क से कभी अगर इंजन आया ना तो फीस निकाल के कभी अलग नहीं करना, अगर निकाल के साफ करो हाथों हाथी लगा दो, क्योंकि इस पे भी अगर वो लेथ वर्क वाला निशान नंबर लिख के देता है ऐसे तो, लेकिन अपन को लापरवाही नहीं करनी। अगर एक फीस भी इधर उधर लग जाता तो क्या होगा, इंजन जाम होने की दिक्कत आएगी, कनेक्टिंग के अंदर ज़्यादा तकलीफ आती है। कनेक्टिंग के अंदर हमेशा जो फीस खोला साफ करो और हाथों हाथ उसी में लगाओ। तीर का निशान उस तरफ रहेगा, हाँ टाइमिंग साइड, ये तीर का निशान जो है ये भी टाइमिंग साइड रहेगा। ये क्या हमारे साथ बंदे काम कर रहे हैं, उनको भी बताना पड़ रहा है और वीडियो भी साथ के साथ बन रही है, आप तो वीडियो लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, अब बोल्ट टाइट कर, हमेशा ध्यान रखना इस बोल्ट को ना ज़्यादा टाइट करना, पाइप से नहीं करना, बस ये जो लगा दिया ना तुम टामी इसे टाइट करनी है, क्योंकि पाइप से करेगा तो केसरी इंजन है, क्रेक हो जाएगी, बस ये लिमिट टाइट है टाइट करने की, बस टक्के करके सारे बोल्ट टाइट कर दो, दो मिनट रुक जाओ, क्रेन भी घुमा के देखते रहो, एक बोल्ट टाइट करो और क्रेन घुमा के देखो, क्रेन फ्री घूमनी चाहिए ध्यान रखना। अगर मालूम चढ़े ये अपन ने टाइट कर रहे हैं और क्रेन जाम हो गई तो इसी फीस के अंदर दिक्कत है। पापा ये फीस खोल के देखो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हाँ टाइट कर, ये बोल्ट टाइट कर दिया। अब सारे बोल्ट टाइट करने के बाद क्रेन एक बार चेक करो घुमा के, फिर घूमनी चाहिए क्रेन, ये अगर फ्री घूम रही है तो एकदम कम्प्लीट है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, कनेक्टिंग और पिस्टन असेंबल करके अभी इसमें पिस्टन ठोकते हैं, और पेट्रोल के अंदर किधर रखते हैं वो मैं सब पूरी आपको, मैं पूरी वीडियो में बताता हूँ आपको, पूरी एंड तक देखना है। इको के अंदर भी रिंग पिस्टन कैसे सेट होते हैं, किधर कट रहना चाहिए, किधर क्या है, और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर, डीजल गाड़ी के ऊपर तो मैंने आपको बताया था भाई कनेक्टिंग के ऊपर नंबर लिखे हुआ था, अभी ये दो नंबर लिखे हुए ये इसके नहीं है, डीजल गाड़ी पर तो एक दो तीन चार नंबर लिखे हुए रहेंगे, फीस पे भी लिखा हुआ रहेगा ऊपर वाली कैप पे और कनेक्टिंग पे भी। ठीक है, लेकिन अपन जब लेथ वर्क पे पहुँचाते हैं तो उसमें क्या होता है, यह पंचिंग करके देता हूँ, देखो इस पर आपको पंचिंग के निशान दिख रहे होंगे, दो नीचे भी दो कर रखे ऊपर भी दो कर रखे, मतलब ये दो नंबर सिलेंडर का कनेक्टिंग। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखनी है, हाँ ये हमेशा ध्यान रखनी है। डीजल गाड़ी में तो नंबर लिखे हुए आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट्रोल में पंचिंग करके देगा, आप कनेक्टिंग जब पहुँचाओगे यहाँ से वो तो ऐसे पहुँचा दोगे, लेकिन वो पंचिंग करके देगा तो उससे आपको ये मालूम चलेगी। इस पर अभी दो नंबर है और इस पर लिखा हो भाई, इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं, मतलब ये चार नंबर है, इस पर कोई भी पंचिंग नहीं है, तो ये चार नंबर है, इधर दिखा एक और कनेक्टिंग, अभी इस पर पंचिंग हो रही है तीन नंबर, तीन पंचिंग हो रही है। ठीक है, तो ये तीन नंबर है, तो ऐसे चारों पे पंचिंग करके देखा हो, ये दिख रहा होगा आपको पंचिंग का तीन नंबर, और हमेशा केप को जिसकी है ना उसी में लगाएं, अगर तीन नंबर के अंदर दो नंबर की अगर ये केप लगा दोगे तो इंजन वहीं के वहीं जाम हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से लेथ के हिसाब से वो सेट करता है पूरे फीस को, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना, गलती इस चीज़ में करनी नहीं है, फीस जिसी का है उसी में लगाना है केप और कनेक्टिंग। ठीक है, ये पिस्टन अपन नया डाल रहे हैं और ये कनेक्टिंग है। डीजल गाड़ी में तो मैंने बताया था भाई किधर कट रहना चाहिए किधर क्या रहना चाहिए, और पेट्रोल गाड़ी इसको के अंदर देखो इस चीज़ का निशान है,
दिख रहा हो थोड़ा? हाँ बस जाएगा, बस ये तीर का निशान है, टाइमिंग की तरफ रहेगा, ठीक है। और ये होल है पिस्टन पे, देखो ठीक है ना, ये पिस्टन पे होल है, ये तीर का निशान और पिस्टन का है, दोनों समझ गए। ये दोनों टाइमिंग की तरफ रहेंगे, इक्को के अंदर कुछ नहीं आएगा, इक्को के अंदर नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन अपन को तीर का निशान बना हुआ होगा, एक आपको दिख रहा होगा, तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये तीर का निशान, ये हमेशा टाइमिंग की तरफ रखना है इक्को गाड़ी के अंदर, ठीक है समझ गए। और ये पिस्टन का निशान, यहाँ पे गजल पिन हो, ये लेकर आ जाए, ये गजल पिन है, तो गजल पिन अपन को लगाना है, ठीक है अपन दिखा देंगे। ये मैंने निशान, ये भी इधर है और ये पिस्टन का निशान भी इधर, लॉक दें, लॉक ली, लॉक को सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ दिखाने का, लोग बाग के बार बार लॉक को छटका देते हैं, इसको हल्का सा ये बिठाओ और ये अंगूठे को यहाँ रखो दबा के, ये लॉक लिया और ये बैठ गए, ठीक है ना, लोग उछलेगी ना कुछ होगा, अंगूठे का जोर रखना है अब और एक लॉक को ही दबाना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर रिंग कैसे सेट होती है और सबसे पहले कौन सी रिंग बैठेगी इसके अंदर, फिर अपन कौन सी बिठाएंगे, तो मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये तीर का निशान भी आ गया और ये कट भी आ गया, अभी टाइमिंग साइड हो गया। अब सबसे पहले भाई तुम भी नोट करना, ये आती है रिंग, स्प्रिंग वाली रिंग है पेट्रोल के अंदर, इसके अंदर देखो पास लाता हूँ, डब्ल्यू नहीं बनाना है, डब्ल्यू बनाओ एम बनाओ कोई वो नहीं है, इसलिए मैं एम बनाता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये पकड़ोगे तो एम बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको बिठानी है अपन को, इस वाली को, ठीक है, इधर लाता सिर्फ पास में, दिख रहा साफ, ये मैंने इसको बिठा दिया इसमें, देख लो। अब इसका जो कट का जो मुँह है ना, ये दिख रहा है, कट दे वहाँ से, पास दिख रहा है, आइए ये जो मुँह, ये जगह बीच में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रहेगा तो। अब सबसे पहले इस पर कोई निशान नहीं आता पेट्रोल में, डीजल गाड़ी के अंदर ऑयल रिंग के ऊपर भी निशान आता नीचे में, इस पर कोई निशान नहीं, किधर बिठा दो। अभी जो कट का जो मुँह है ना, वहाँ नहीं बिठाना इसको, इसके साइड में एक जगह लेनी है और इस जगह यूँ को करके इसको बिठा देनी है, हल्के हल्के आता, ज़्यादा खींचनी नहीं है, ये बैठ गई, ठीक है। अब बिठानी है अपन को एक को रिंग, इसी के अंदर ऑयल की रिंग दो आती है, ये एक को रिंग ली, पिस्टन को घुमा दो हल्का सा, इस तरफ मुँह के अंदर लो, ये लिया बिठाया मैंने, ये एकदम बैठ गई, ठीक है। ये तो हो गई अपना ऑयल रिंग, ऑयल रिंग एकदम कंप्लीट बैठ गई। और रिंग चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इधर देखा सर, ये कम बज रही है तो मतलब ये है कार्बन रिंग, और ये जो आवाज़ कर रही है ये है कंप्रेशन रिंग। हालांकि कलर का भी फर्क आता है, काली कलर की होगी वो कार्बन रिंग होगी, और जो चमकी होगी ना ज़्यादा वो होगी कंप्रेशन रिंग। पकड़, इसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा टॉप, टॉप लिखा हुआ रहता है इसके ऊपर, ठीक है, उसे ऊपर करनी है, तो उसे बीच में लगेगी ये, इसको हल्के दोनों हाथों से हल्के से पकड़ के ये बैठ गया, ठीक है। कंप्रेशन रिंग भी ला, कंप्रेशन रिंग पे भी टॉप लिखा होगा, टॉप हमेशा ऊपर रहेगा, यूं मत लगाना उल्टी, ऊपर ऊपर मतलब ऊपर वाला फेस, ये बैठ गई, ठीक है। ये अब तीनों रिंग अपने बैठ चुकी है, अब इसको अपन फिट कैसे करेंगे, इनका मुंह किधर रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक कन्फ्यूजन है जो सबको रहती है कि भाई कनेक्टिंग पे तो निशान है, भाई एक दो तीन चार कनेक्टिंग पे तो निशान, लेकिन पिस्टन पे निशान नहीं आते। भाई हमेशा ये सवाल होता है कि भाई पिस्टन पे तो निशान आते नहीं, फिर पिस्टन कैसे लगाएं? तो पिस्टन पे कोई निशान नहीं आएंगे, पिस्टन कैसा भी किधर भी लगा दो, अभी मैं चारों पिस्टन नए डाल रहा हूँ, पिस्टन तो भले कैसा भी किधर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। लेथ वर्क से भी जब आता है ना, जब उसमें भी कोई पिस्टन पे कोई निशान नहीं लिख के देता हूँ, बस मेन होता है कनेक्टिंग के ऊपर, क्योंकि पिस्टन का तो जो बोर है अंदर का, ये तो सबके सेम ही है, तो पिस्टन पे कोई निशान नहीं आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना और घबराना मत कि भाई पिस्टन एक नंबर लगाऊं दो में लगाऊं, पिस्टन पे कोई निशान नहीं है कोई तरफ, बस हमेशा तीर का मुंह का ध्यान रखना, ये जो होल है ना बस ये टाइमिंग की तरफ रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ठोक दो पिस्टन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई पिस्टन पे निशान आएगा ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके अंदर रिंग कैसे सेट होगी और रिंग का मुंह किधर किधर रहना चाहिए, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप वीडियो पूरी देखना है ना। ये जो नीचे वाली जो रिंग है ना दोनों, भाई ये जो स्प्रिंग वाली रिंग है, एम बनाओ या डब्ल्यू बनाओ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी बिठा दो ये, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे भी रिंग है एक पेट्रोल गाड़ी में, और ऊपर भी रिंग है, ऊपर नीचे किधर भी लगा दो, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ये दो रिंगों का है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखनी है, कंप्रेशर बीच में लगेगी एक, कार्बन बीच में लगेगी और कंप्रेशर ऊपर लगेगी, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आपको। और इसके मुंह किधर किधर रहेंगे मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगा। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग का एक मुंह, ये पिस्टन है टाइमिंग तरफ, ठीक है। अब ये है ऑयल रिंग नीचे वाली, ऑयल रिंग का एक मुंह मैंने इधर रख दिया, ठीक है, ये कट दिख रहा होगा आपको नीचे वाला कट,
एक इधर रख दिया और एक एक उस तरफ रख दिया। एक और मुँह आपको दिख रहा होगा, ये एक और कट, ये कट, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है। ये तो हो गया ऑयल रिंग के कट। एक ये घूम भी जाएगा, इधर उधर थोड़ी बहुत घूम जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। टाइमिंग साइड तो पिस्टन है। एक ऑयल का कट इधर रख दिया, एक ऑयल का कट इधर रख दिया। और जैसे मैं ठोकता हूँ, कंप्रेशन रिंग हमेशा मैं एग्जास की तरफ रखता हूँ। ये एग्जास की तरफ रख दिया और कार्बन का है, ये कार्बन की मैंने रख दी इनटेक तरफ। ये मैंने इनटेक तरफ रख दिया। काली वाली जो है ना रिंग कार्बन की, ये मैंने इनटेक की तरफ मुँह रख दिया। और कंप्रेशन वाली जो है, ये मैंने एग्जास की तरफ रख दी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब ऑयल की जो एक रिंग है वो तो एक इधर आ गई, तू भी देख ले, तू भी देख जा। ऑयल की एक रिंग तो इधर आ गई, ठीक है। और कंप्रेशन वाली जो रिंग ऊपर वाली, ये इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, हो गई दो। अब बची अपने पास कार्बन रिंग, कार्बन रिंग एक एक इधर आ गई हल्की सी, ठीक है। और एक इधर आ गई ऑयल की रिंग। ऑयल की दो रिंग आती है पेट्रोल के अंदर, ऑयल की दो रिंग आएगी, ऐसे तो तीन आएगी, एक स्प्रिंग कुल हो गए तो तीन हो गई, तो दो आती है। एक का मुँह इधर रख दिया, एक का मुँह इधर रख दिया, एक का कंप्रेशर वाले का मैं हमेशा एग्जास की तरफ रखता हूँ। बहुत से इंटेक की तरफ भी रखते होंगे, मैं एग्जास की तरफ रखता हूँ मेरा जो मैं ढोकता हूँ। ये मैंने एक मुँह इधर हो गया, अब एक मुँह इधर हो गया, कार चारों का अपोजिट साइड हो गया, चारों रिंगे, ठीक है। और अगर डीजल गाड़ी होगी तो डीजल गाड़ी में सिर्फ एक मुँह आएगा, क्योंकि एक ही रिंग आती है डीजल की, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था पहले। तो उसका मैं उधर रखता हूँ हमेशा, एक ही मुँह आएगा डीजल में, क्योंकि दोनों रिंग एक साथ ही आती है। तो एक का मुँह इधर आता है और मैं एग्जास्ट साइड इधर कंप्रेशन रिंग दे देता हूँ, और एक रिंग इधर, दो इधर रख देता हूँ, एक इधर रखता हूँ डीजल गाड़ी में। और पेट्रोल का मैंने बता ही दिया आपको, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों अपोजिट साइड हो गई। और एक नंबर पिस्टन है, ये देखो मैंने आपको बताया था पंचिंग आएगी ऊपर। और मैंने पहले भी आपको एक गाड़ी के अंदर बताया था डीजल के अंदर, जब भी पिस्टन ठोको तो ये एक नंबर, जैसे मैं पिस्टन ठोक रहा हूँ तो कनेक्ट जो क्रेन जो है ये नीचे की तरफ है देखो, ठीक है। और इनकी है ऊपर की तरफ, इनमें ऊपर की तरफ रख के क्रेन को कभी पिस्टन ही ठोकना, नहीं तो आपके क्या, नहीं तो रिंग ठुकेगी पूरी और दिक्कत आ जाएगी, आपके फेस खराब हो जाएंगे, क्रेन पर निशान आ जाएंगे। हमेशा ये नीचे की तरफ रहनी चाहिए, एक और चार का, क्योंकि फोर्थ सिलेंडर है तो क्या होगा, फर्स्ट और चार ही नीचे जाएगी और फिर आएगी दो और तीन ऊपर आएगी। तो पहले अपन कौन सा ठोकेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का और फिर चार नंबर का, और नीचे रखना ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अगर ये ऊपर रहेगी तो ये भी खराब हो जाएगा, रिंग ऊपर ही रह जाएगी, रिंग भी खराब हो सकती है, टूट सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। अब मैं पिस्टन ठोकता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जब भी कोई पिस्टन ठोको ना, सबसे पहले स्लीव ऑयल जरूर लगाना है, ऑयल तो हमेशा लगाना है, और इसके ऊपर भी बड़े ऑयल लगाना है। और हमेशा पिस्टन ठोकने से पहले, कई बार अपने से एक सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग इंसान भूल जाता है, फिर वो बाद में परेशान होता है। तो हमेशा पिस्टन ठोकने से पहले एक बार ये जो गजल पी लेना, एक इधर से दबो, इधर से दबो, दोनों को इधर उधर हिला के देख लो, मतलब बाहर तो नहीं निकल रही, बाहर निकल रही इसका मतलब क्या होगा, लोक नहीं लगी हुई। अगर बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा भाई, लोक लगी हुई, क्योंकि बाहर नहीं निकल रही, इधर उधर मैं हिला रहा हूँ, देखो एक इधर से जोड़ लगा रहा हूँ, एक इस उंगली से जोड़ लगा रहा हूँ, तो मतलब लोक लगी हुई है मेरी, तभी ये कनेक्टिंग, ये जो गजल पीने बाहर नहीं आ रही। लोग चेक कर, ये बहुत बड़ी गलती होती है, यहाँ कितने लोगों के साथ गलती हो चुकी है, वो लोग बाहर रह जाती है। हालांकि पुरानी लोग भी होगी, लेकिन उनके दिमाग में आया था यार इंजन वापस खोल देते हो, और खोलते तो लोग लगी हुई मिलती है, लेकिन ये गलती होगी ना। लेकिन अपन जब फिट करेंगे, फिट करने वाले को दिमाग में हमेशा रखनी है कि नहीं यार मैंने ठोकी है, मैं कन्फर्म हूँ इस चीज़ का कि लोग लगी हुई है, ठीक है। पेचकस लगाएगा अपन को, इसके यहाँ बिठा लिया अपन ने, समझ गए, रिंग का कर दो, एक कंप्रेशर का इधर हो गया, कार्बन का उधर हो गया, एक ऑयल की रिंग इधर हो गई, एक ऑयल की रिंग इधर हो गई, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब ला रिंग लिफ्टर, ले इसकी चाबी का है, ठीक है। रिंग लिफ्टर सबसे बढ़िया तरीका होता है, अपन क्या करते हैं, तुम जो भी अगर कोई ठोकने वाला तो यहाँ से पकड़ लेते हैं, रिंग लिफ्टर को हमेशा यहाँ से नहीं पकड़ना, अंदर कचरा भी देखना, कचरा कुछ नहीं होना चाहिए। ये फेस है ना, इसका फेस भी आउट होना चाहिए, फेस भी मिला के रखो इसका फेस भी, और इसको पकड़ो इस तरीके से, सबसे अच्छा तरीका है ये, दिख रहा है, दिख रहा है वीडियो के अंदर, सबसे अच्छा तरीका है। एक जोड़ तो इस लोक के यहाँ जाएगा अपना, और ये उंगली अपन को यहाँ पर आ गई, सबसे अच्छा तरीका है। यूँ नहीं पकड़ना, यूँ पकड़ो कि पिस्टन दब रहा है, क्या हो रहा है, रिंग सेट नहीं होती, टूट जाए, खतरा रहेगा। मैंने यहाँ से पकड़ा इसको सबसे मजबूती से, और इसको फेस को मिलाया मैंने, इधर लाया वीडियो के पास में, ये रोका मैंने, ठीक है। अब मैंने मिला दिया, अब रिंग भी देखते रहो अंदर एक, और यहाँ से देखा दोनों उंगलियाँ मैंने पकड़ रखी है। अगर मैं यहाँ से नहीं पकड़ता, यहाँ से पकड़ता तो क्या होगा, जैसे मैं टाइट करता ना तो ये स्लिप मारता, घूम जाता मेरे हाथ, तो रिंग भी घूम जाती। रिंग भी अंदर देखते रहो और ठोकते रहो, इधर देखो, देखा था वीडियो है ना, पकड़ते रहो। अब जैसे तुम टाइट करोगे ना तो हल्की हल्की रिंग घूमेगी, तुम्हें दिखेगी अंदर, देखते भी रहो अंदर, अंदर अंदर घूम रहा हूँ। ये मैंने टाइट कर दिया ऐसे हल्का सा, इस पर चारों तरफ फेस मिला रहा है अपन, चोट मारने का मतलब ये होता है कि इसका रिंग लिफ्टर का फेस मिल रहा है।
ठीक है, और हल्का सा पिस्टन को लेके जैसा मैं टाइट कर रहा था रिंग उधर घूम रही थी, तो मैं हल्के से इसको घुमाऊंगा, किसको, रिंग लिफ्टर को, ये मैंने हल्का सा घुमाया। फिर एक बार और टाइट करना, फुल टाइट करना जब तक आखिरी लॉक नहीं हो जाए, ये आखिरी लॉक हो गया, ठीक है। एक बार और हल्का हल्का मुझे मारना है इधर, और फिर इसको पकड़ना है और वापस इसको हल्का सा हल्की जी, बस ये मैंने घुमा दिया, ठीक है। अब ला भाई ठोकने के लिए क्या करना है, मैं आपको ये पेच को निकाल दें, ठीक है ला भाई, हल्के हल्के एक बार और चोट मार दो इसके ऊपर, पेचकस निकालने के बाद मारनी, और यहीं से पकड़ के रखो, छोड़ो मैं, और फिर मैंने हल्की हल्की चोट इसको मारो, ठीक है। ये पिस्टन चला गया, लगे वीडियो सही रखा कर, चला गया पिस्टन। अब धीरे धीरे कनेक्ट, क्रेन नीचे है ना, अब इसको हिलाते रहो हल्के हल्के, और फिर मैं तो एकदम तुम धक्का दोगे तो क्या होगा, उसका जो जो दो बोल्ट निकल रहे हैं कनेक्टिंग के ऊपर, वो डायरेक्ट क्रेन पे भी टच हो सकते हैं, उस पर हल्का भी निशान आ गया ना तो दिक्कत आ जाएगी, वापस क्रेन खोलो, लेत वाले के पहुँचो या फिर रेजमाल ला के लगो, गलती तो गलती है ना, तो उसको हल्का हल्का था तो कनेक्टिंग भी नीचे तुम्हें हिलती रहेगी हल्की हल्की, तो हल्की हिलती रहेगी तो क्या होगा, एकदम उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगी, ये बैठ जाएगी, ठीक है। अब ठोकेंगे हम चार नंबर, और ऐसे ही मैं आपको चारों पिस्टन ठोक के बताता हूँ। वीडियो को आपने पूरी देखनी है, और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और कोई भी सुझाव हो, कोई गलती हुई हो मुझसे तो वो भी मुझे बताएं, ठीक है। समझ गया, पहला पिस्टन में ठोका, उसके बाद ठुकेगा चार, फिर दो और तीन क्रेन का। अब जब मैं दो तीन पिस्टन ठोकूंगा ना तो क्रेन को घुमानी पड़ेगी मुझे, क्रेन नीचे जानी चाहिए, फिर ही मैं दो तीन, यूं नहीं कि मैंने चार ठोकने के बाद दो तीन हाथों हाथ यहाँ ठोक रहा हूँ, यहाँ ठोकूंगा तो क्रेन ऊपर ही है, दिक्कत आ जाएगी, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। नए नए बंदे सीखने वाले हैं, हमेशा सीखेंगे इसी चीज़ से, एक एक चीज़ तो कोई यूँ नहीं बता पाएगा, तो वीडियो के अंदर आप पूरी वीडियो देखना तो आपको पूरी समझ में आएगी। क्रेन को वापस घुमा के फिर मैं दो तीन ठोकूंगा, अब मैं चारों पिस्टन ठोकता हूँ, फिर लास्ट के अंदर मैं वीडियो के अंदर आपको एक वीडियो और अपलोड करूँगा, उसमें हमें इक्को के टेपिट सेट कैसे होते हैं वो पूरा टेपिट सेट करना आपको बताऊँगा, ठीक है। ये मैंने कैपे टाइट कर दी है, इस कैपे को भी ज़्यादा ताकत से टाइट नहीं करना, एक हिसाब होता है उसके हिसाब से टाइट कर दो इसे, ठीक है। और ये पिलर चेक कर लो, इसमें हल्की हल्की पिलर आनी चाहिए, इसमें ये हल्की हल्की पिलर आ रही ना, इसमें देखो इसमें भी आ रही होगी, इसमें भी हल्की हल्की पिलर, इंजन घुमा घुमा इंजन घुमा। केपो को लिमिट से टाइट करनी है अपनी ताकत के हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं, तीर के निशान आप देख सकते हो, टाइमिंग साइड है चारों में, हाँ केप को हिला, देखते हाथ से हिला, ठीक है। इधर भी दिखा, हाँ दिखा, ये केपो में पिलानी चाहिए। और मेन चीज़ जो है ना इसकी, एक जो बहुत कम आदमी को हालांकि पता होती है, लेकिन तेरे नॉलेज के लिए तुझे एक बात बताता हूँ, वीडियो के अंदर जो देखेंगे उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। इधर ला इंजन को, अगर इंजन अपन देखते ना कई बार घूमी है या नहीं घूमी यार, तो एक चीज़ है, देख इंजन घुमा, मैं आपको बताता हूँ, घुमा इंजन, हाँ घुमा घुमा घुमाए जा घुमाए जा, देख हाँ घुमा, जैसे ये पिस्टन नीचे जाएगा ना तो एक लहर बन रही होगी, देखिए ये लहर, ये दिख रही है ये लहर इधर, ये लहर इधर, घुमा इंजन घुमा, अभी ये पिस्टन है, ये चौथे नंबर का पिस्टन है, अभी ये इंजन नीचे जाएगा, घुमा पिस्टन नीचे जाएगा, घुमा घुमा, एक लहर बनती हुई दिख रही है, देखिए तो हमेशा उसको लेयर को देखो, ये ऊपर कंप्रेसर की जो रिंग है ना उसकी लेयर बनती है, तो इस कोने की तरफ जिधर अपने रिंग रखी ना ये इधर नहीं आनी चाहिए बीच में, हालांकि आ जाओ तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अपने रिंग देखी ना तो उसको अपन को मालूम चल जाएगा भाई मेरी रिंग घूमी तो नहीं है, तो ये लेयर बनती हुई नजर आएगी इसके अंदर, ये लेयर बन रही है देखो, ये ऑयल की लेयर, जैसे आप पिस्टन घुमाओगे देख, तीसरा घुमा देख, इंजन घुमाओ, इसके अंदर भी दिखेगी, ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखो लेयर दिख रही है आपको ये, और दूसरी तरफ इधर भी नहीं होगी, इधर सिर्फ ऑयल होगा, एक लंबी लेयर सिर्फ इसी के साइड में होगी, जिधर अपन ने कंप्रेसर का मुंह का कट रखा था ना उधर, बस वो देख लो, उससे भी मालूम चल जाएगा भाई मेरी रिंग घूमी है या नहीं घूमी है, ठीक है। आपको वीडियो के अंदर सब समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताएं कमेंट्स करके, ठीक है ठीक है। अब हम इसका एक बार कंप्रेसर चेक कर लेते हैं चारों पिस्टनों का, घुमा भाई इंजन को, ये एक नंबर का एकदम कंप्लीट है, दूसरा घुमा, चारों का एक बार कंप्रेसर चेक कर लो, ठीक है। दूसरा भी, तीसरा घुमा, घुमा घुमा इंजन घुमा, तो हाँ इंजन घुमा, अब घुमा ये तीसरे नंबर का भी एकदम कंप्लीट है, घुमा इंजन, हाथ रख लो बिल्कुल फिक्स, घुमा एकदम कंप्लीट है इंजन, तो ये हाथ की हालत देख सकते हो, लाल हो गया ये, ठीक है। कंप्रेसर एकदम कंप्लीट है चारों का, रिंगे ठोकने के बाद एक बार कंप्रेसर भी देख लो, ठीक है भाई, समझ में आ गया तेरे को भी।
तो आइंदा ध्यान रखना, वीडियो को देखना एंड तक, शुरू से तुझे भी समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे फिट इसके अंदर, ऑयल पंप हो गया, प्लेट हो गई है, ऑयल पंप हो गया, इधर की प्लेट लग जाएगी, फिर उसके बाद चेंबर वेम्बर लगाना है। इको के अंदर बता रहा हूँ, ऑयल जाली लगा के चेंबर लगाना है दोनों, फिर उसके बाद गियर बिठाना है, गियर बिठाने के बाद हेड बिठाना है, फिर उसके बाद टाइमिंग वाइमिंग मिला के पूरा कंप्लीट होगा असेंबल। मैं पूरा कंप्लीट की वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जब असेंबल हो जाएगा ना पूरा, तो लास्ट में एक वीडियो इसकी बनाऊंगा मैं, टेपिट सेट करने वाले की हेड की, इको के टेपिट सेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो मेरी एक और वीडियो उसके बाद मैं अपलोड करूँगा, तो एक वीडियो इको के टेपिट कैसे सेट होते हैं ये भी आप तरीके से देखना। वही इको का इंजन है, हमेशा ध्यान रखना है, जैसे रिंग पिस्टन अगर ठुक जाए ना इसके अंदर, तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, ऑयल जाली लगानी है भाई, ये प्लेट लगानी है और ऑयल पम्प लगाना है रिंग पिस्टन जैसे ठुक जाए ये ऑयल पम्प। उसके बाद फिर ऑयल जाली लगा के ये चेंबर एनिमिनी वाला लगाना है, फिर नीचे ये लोहे वाला लगाना है, उसके बाद क्लच प्लेट फ्रावल ये लगा के फिर गियर बिठा लो। गियर बिठाने के बाद फिर अपन को बिठाना है हेड, फिर अपन को लास्ट में बिठाना है हेड, ये हेड जो है ये हेड बिठाना है। और हेड को जब भी बिठाओ तो सबसे पहले एग्जॉस्ट में लगा दिया करो, इनटेक हमेशा बाद में लगाना है। इनटेक अगर पहले लगा दोगे तो क्या होगा, दूसरी फिटिंग का आपकी बहुत मुश्किल से सेट होगी। सबसे पहले अपन को क्या लगाना है, हेड लगाने के बाद कैम बिठा दी मैंने, और एग्जॉस्ट साथ ही में लगाना है, फिर ही हेड चढ़ाना है, बहुत ईजी काम रहेगा आपके। ठीक है, देखो इनटेक लगाने से पहले इको गाड़ी के अंदर हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले फिटिंग कर लेनी है, एसी कंप्रेसर का ब्रेकेट लगा दो, माउंटिंग लगा दो, ठीक है, और ये कूलेंट की पाइप और ये नॉक सेंसर, ये पूरी फिटिंग हो गई, आपको दिख रही होगी। ये पूरी फिटिंग होने के बाद फिर अपन को लास्ट में लगाना है इनटेक, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप इनटेक लगा दोगे तो क्या ऑटो सेंसर में दिक्कत आ जाएगी, ये सही नहीं लगेगा, तो ये इतनी फिटिंग तो आप कर ही लो, उसके बाद आप इनटेक लगाओ, आप बहुत सरल काम होगा, आप खुद देखोगे यार वाकई में अच्छा काम हुआ।